बाल ब्लॉक 10 है का एरिया है और यहाँ पर एक तो ये ढेर लगा पड़ा है, गटरे की लाइनें निकाल के बस ऐसी खोल दी हैं और सामने सिंधबाद है, ये निपा का एरिया है और यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में गटर एंड हॉल, इसका कोई चक्कर नहीं है और कोई भी इसमें जाके गिर सकता है, बच्चे हैं या बाइक है, गाड़ी के भी एक्सीडेंट होते होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आसपास कोई चीज़ रखी हुई है ताकि लोगों को आते जाते नज़र आए। और सेकंड ये कि और बच्चे भी यहाँ से गुजरते होंगे तो ये गटर में गिरेंगे तो ये फौरन जो है अंदर चले जाए, बह जाए और मिलते भी नहीं हैं, बाज़ात लोग उसमें बह जाते हैं या बच्चे भी जाते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल रोड के सेंटर में है और ये गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं तो दूर से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई मैन होल ओपन है। और इसके ऊपर जो है इस रास्ते ले जाते हैं लोग, इसके लिए इसके ऊपर सरिये या तो लगाना चाहिए या इस तरह का कोई लोहे का डंपर लगाना चाहिए या ग्रिल टाइप का उसमें लॉक लगाना चाहिए ताकि वो सफाई करने के लिए भी खोला भी जा सके। और इसी सीट में और आगे भी हैं और ये झुके अभी कुछ अर्से पहले ही बने हैं और ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, ये पुरानी लाइनें बाहर रखी हुई नज़र आ रही हैं और ये बिल्कुल न्यू है, ये जो मैन हॉल बने हैं ये बिल्कुल न्यू है और ये पुरानी वाली लाइनें आगे तक जा रही हैं पुल तक, ये भी खुला हुआ है और एक आगे भी है, लेकिन लोगों को आते जाते प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पुरानी वाली लाइनें पाइपलाइन पड़ी हुई हैं जो कि निकाली गई थी खुदाई करके और ये नए मैन होल बने थे और ये आप देख सकते हैं इसमें तो कचरा भरा पड़ा है, लेकिन गाड़ियों के एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी सफाई कोई नहीं हुई है यहाँ पे, सारा ढेर लगा पड़ा है और ये एरिया है, ये सामने सिंधबाद है और एक ये भी पड़ा हुआ है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है और एक और आगे आ रहा है, लेकिन ये कि इसको देखने वाला कोई नहीं है, ना इसको बंद करने आ रहे हैं ना इसकी सफाई करने आ रहे हैं। लोगों को यहाँ पे यकीनन परेशानी होती होगी, बारिश के दिनों में यहाँ से पानी बहता होगा और कोई भी आसानी से इसमें बह के डूब सकता है और गायब हो सकता है। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो यहाँ पे सफाई का बंदोबस्त करें और मैन होल को बंद करें।